हेलो बच्चों, तैयारियां चल रही हैं, पेपर हो रहे हैं, जो इन सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं उन सब्जेक्ट के पेपर के वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूं। अब आप लोगों के लिए 10th क्लास के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये मेरा हिंदी का, जिसमें आपका ये वीडियो पूरा सेक्शन ए कवर करेगा। सेक्शन ए में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी विद PDF आप लोगों को ये बिल्कुल अवेलेबल रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंदर मैं आपको पैसेज और जो पद्यांश है उसको किस तरीके से हल करना है ये भी बताऊंगी, लेकिन केवल दो ही इसके पेपर की, क्योंकि अगर ज़्यादा बताए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए, जो सबसे पहला है आपके पास में पेपर, सॉल्व पेपर ही है, खंड अ, इसके अंदर आपके पास में अपठित गद्यांश दे रखा है 5 नंबर का, 5 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। तो चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश, उससे रिलेटेड आपको शीर्षक जरूर पूछा जाएगा। इसलिए सबसे पहले जब आप पद्यांश पढ़ते हैं या गद्यांश पढ़ते हैं तो उसका आप थीम निकालिए कि किसके ऊपर आधारित है। देखिए, जैसे हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, अनुशासन ही वह कुंजी है जिसमें हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन से बंधी है। देखिए, अनुशासन एक बार आया, ठीक है, यहाँ पर एक बार अनुशासन आ गया, दूसरी बार अनुशासन आ गया शब्द। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना तथा उसी तरीके से उसी तरह अस्त होना अनुशासन का ही प्रमाण है। चंद्रमा, तारे, बादल, बिजली, सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रत्यक्षित तथा विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उनके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधन का काल है, जिससे वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्माण करता है। अनुशासन 2 प्रकार का होता है, पहला आत्मानुशासन, दूसरा बाह्य अनुशासन। आत्मानुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली पीढ़ी है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अनुशासन जो आपके पास में आ रहा है शब्द बार बार आ रहा है, अब यहाँ पर विद्यार्थी से रिलेट किया गया। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है अनुशासन, अनुशासन का महत्व, अनुशासन के प्रकार या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, क्योंकि एक पूरा पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में भी विद्यार्थी जीवन से संबंधित अनुशासन ही बता रखा है, तो इसलिए सभी में अनुशासन शब्द आ रखा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में बिल्कुल राइट जो होगा आपके पास में इस गद्यांश का शीर्षक, वो आपके पास में यही होगा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनुशासन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर आ गया 2 प्रकार का, ये देखिए आपके पास में आंसर लगा 2 प्रकार का। व्यक्ति के जीवन का सघन साधन का साधना का काल है विद्यार्थी जीवन जो है व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल है। अनुशासन के प्रमाण है सूर्य का नृत्य प्रति एक दिशा में उगना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है, प्राकृतिक घटनाओं का, दूसरे के अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, सीखने की प्रक्रिया का या अनुशासन का। तो अनुशासन का किसका महत्व है, अनुशासन का, तो ये आपके पास में राइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ को हल करना है। अब हम पढ़ते हैं पद्यांश, देखिए। यह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में, इसका छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार, सदृश व किसका, लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तरन तरन से आंखों में ही घुमा करता वह, उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख देख के, बिना दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हैलाती, तुरंत सुनने में गड़ वह चितवन तीखी नोक सतस बन जाती। यहाँ पर किसान के जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो किसान, वे आंखें, खेती, किसान या शोषण। तो यहाँ पर जो आपके पास में शीर्षक दे रखा है वो आपके पास में दे रखा है शोषण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास में जो बिल्कुल क्लियर सा शीर्षक है वो आपके पास में शोषण ना होकर के, मैं आपको बताती हूँ, ये जो कविता है, वे आंखें
पाठ से ली गई हैं, पद्यांश से ली गई हैं, और यहाँ पर शोषण, शोषण ना होकर के वे आंखें काव्यांश का उचित शीर्षक होगा, शोषण नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन किताब में आपके एक्सेलेंट डेस्कवर्क में शोषण ही दे रखा है, लेकिन वे आंखें इसलिए है क्योंकि किसान की आंखों का वर्णन इसमें किया गया है कि किसान की आंखों में क्या क्या दिखता है, ठीक है ना। तो वे आंखें इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है, किसान की। कारकुन का शाब्दिक अर्थ है जमींदार का कार्मिक, ठीक है। यह हो गया आपके पास में आंखों का तारा होना, जो आपके पास में मुहावरा है उसका अर्थ पूछा गया है, अत्यधिक प्रिय होना। फिर आपके पास में चलता है आगे, देखिए काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है, शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने में, ठीक है ना। तो ये देखिए शोषण से पूर्व जब वो उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है, जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उससे पहले की जो उसके पास में जो संपन्नता थी, उसके परिवार में जो लोग उपस्थित थे उनको याद करके जो आती है, उसको याद करने पर उसकी आंखों में चमक आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करके। तो ये आंसर हो गया आपके पास में, ठीक है। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चंस चलते हैं। माता का आंचल कृति के रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय, आप करेक्ट करेंगे शिवपूजन सहाय को। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है औपनिवेशिक दौर की मानसिकता पर चोट करना, विदेशी आकर्षण की भर्त्सना करना यानी कि आलोचना करना, व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना, ये उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। अब देखिए आपके पास में ये चलते हैं आपके पास में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान 6 आएंगे। व्याकरण पर संबंधित ही आएंगे। देखिए भाववाचक संज्ञा की मुख्य कितने प्रकार होते हैं, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 4 प्रकार के शब्दों से होती है, 4 प्रकार के शब्दों से होती है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तौल या माप का बोध कराते हैं परिमाण विशेषक विशेषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, परिमाण वाचक कहलाते हैं। फिर हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है, क्योंकि हिंदी की माता अगर कहा जाए तो वो संस्कृत कहा जाता है, संस्कृत की जननी, जो संस्कृत है जननी है, और हिंदी उसकी पुत्री कहलाती है। तो जो मूल रूप होते हैं हिंदी में वो संस्कृत से ही आते हैं, तो संस्कृत का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। उपसर्ग शब्द के पूर्व जुड़ करके शब्द का अर्थ बदलते हैं, उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण कहते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। संधि एवं संयोग में क्या अंतर है, संधि में शब्दों का मेल व्याकरण के नियम अनुसार होता है, व्याकरण के नियम अनुसार शब्दों का मेल होता है, जबकि संयोग में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता। समास शब्द की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति चिन्हों आदि का लोप करके समास शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहना, आप भले तो जग भला, यानी कि अच्छे व्यक्ति के लिए सभी अच्छे होते हैं। चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहकर के क्यों पुकारते थे, नेताजी सुभाष चंद्र के प्रति चश्मे वाले का अत्यंत सम्मान भाव को देख कर ही लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। एक कहानी यह भी, रचना में मनु भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर करके आया है, तो उसमें उसकी माँ का और पिता का व्यक्तित्व भी उभर करके आया है। अब देखिए सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है, नौबत खाने में वादक पाठ से प्रश्न लिया गया। ये संगीत शास्त्र के अनुसार फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को क्या कहा जाता है, सुशील वाद्य कहा जाता है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, ये आपके सूरदास पाठ में से, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी के गागर से की है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो बाल कांड से, यहाँ पर आंसर आपके पास में क्या आएगा, बाल कांड से, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो यहाँ पर बादल उत्साही वीर पुरुष, आह्वान गीत है बच्चों, उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जिसमें बादल उत्साही वीर पुरुष का नवजीवन प्रेरणा देने वाले कवि तथा परोपकारी उदार हृदय और समृद्धि की ओर संकेत करता है। माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हों, तो वो प्रसंग लिखने हैं आपके द्वारा। माता द्वारा भोलानाथ को बहला करके भोजन कराना, पिता का भोलानाथ के साथ खिलवाड़ करना तथा सांप से भयभीत होकर भोलानाथ का घर आकर माँ की गोद में छिप जाना जैसे प्रसंग दिल को छू जाते हैं। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा वर्णन है, तो इसमें इस यात्रा व्रत में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंतोक तथा उसके आगे की हिमालय की कुछ क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया फर्स्ट मॉडल पेपर। अब हम करते हैं सेकंड मॉडल पेपर। बच्चों देखिए मैंने आपको फर्स्ट मॉडल पेपर के पूरे आंसर्स पढ़ के बताए हैं,
अब सेकंड मॉडल पेपर है, इसके लिए मैं आपको केवल इसके आंसर्स ही बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पैसेज करने का तरीका बता दिया है। अब देखिए आपके पास में अपठित गद्यांश आया है, तो अपठित गद्यांश के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस करने का बताते हैं आपको, क्वेश्चन के आंसर्स। सेकंड में देश के आज़ाद होते ही हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इसका आंसर है बहुत कमज़ोर। देश के आज़ाद होते ही हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो इसका ये आंसर हो गया। नकारात्मक मानसिकता का क्या अर्थ है, नकारात्मक मानसिकता का क्या अर्थ है, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास में आंसर आएगा बच्चों। कार्य करने से पहले ही असफलता की आशंका करना, ठीक है, नेगेटिविटी। कोई कौम कब डरी डरी सी रहती है, कोई कौम कब डरी डरी सी रहती है, जब उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई भी कौम डरा डरा जब कब रहने लग जाता है, जब उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। असफलता मिलने की गारंटी कितने प्रतिशत लोग देते हैं, 99%, ठीक है, 99% कहेंगे कि आप असफल हो गए। फिर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसका उचित शीर्षक है कमजोर अर्थव्यवस्था और हमारा दीन भाव। ये है आपका इसका पैराग्राफ का उचित शीर्षक। अब देखिए आपके पास में जो पद्यांश आया है, इसके अंदर कवि पतझर पतवार लेकर मझधार में जाना चाहता है क्योंकि, छठे का आंसर आपके पास में आ जाता है, वह कठिनाइयों व मुसीबतों से घबराता नहीं है, तो इसका आंसर हो गया है छठे का अ। फिर मुझको क्या डरा सकेंगे, कवि किनसे नहीं डरता है, पंक्ति के आधार पर बताइए। सातवें का द, लोगों की उचित अनुचित टीका टिप्पणी से। इस पद्यांश में क्या छिपा है, तो आठवें का अ, निर्भीकतापूर्ण विघ्न बाधाओं से टक्कर लेते हुए आगे बढ़ना, ये कवि ने सीखा है। फिर आता है नव आशा के दीप लिए से क्या आशय है, नाइन नंबर का ब, नई उम्मीदों के साथ। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है 10 नंबर का निर्भीकता व निडरता, इसका गद्यांश का उचित शीर्षक है। अब हम 11 नंबर पर चलते हैं, देखिए कटाव पर दुकान होने से, देखिए कटाव पर दुकान होने से सुंदर घाटी को क्या नुकसान हो जाता, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में किस विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है, रानी एलिजाबेथ। यह मेज लकड़ी की बनी रेखांकित पद जातिवाचक संज्ञा है, बात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है और वाक्य के अंत में होती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। फिर आता है निष्पाप शब्द में उपसर्ग प्रत्यय कौन सा हुआ है, निष। फिर आता है दर्शनीय और गोपनीय में कौन सा प्रत्यय हुआ है, नीय, ठीक है। अब देखिए आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं, गुण संधि के उदाहरण, उनका संधि विच्छेद, अव्यविभाव समास का उदाहरण विग्रह सहित, अपनी प्रशंसा स्वयं करना मुहावरा, फिर है लोकोक्ति है, कारकी है दाल भात में मूसल चंद, कस्बे की नगर पालिका क्या करती थी, तो नगर पालिका सड़क पक्का करवाने का, पेशाब घर, कबूतरों की छतरी बनवाना, कभी कभी कवि सम्मेलन करवाना आदि कार्य करती थी। लेखिका मनु भंडारी ने माँ के किन गुणों को अपना आदर्श नहीं बनाया था, तो अनुचित आग्रह या अन्याय को सहन करना और अपनी दुर्दशा को भाग्य समझकर स्वीकार कर लेने के माँ के गुण को नहीं बनाया था, सहनाई को सहने क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके समान बताया है, अपने प्रेम को गुड़ के प्रति चींटी के प्रेम के समान बताया है। परशुराम ने ब्राह्मणों को बार बार क्या दिया था, शाप, ठीक है ना, सॉरी, ब्राह्मणों को बार बार क्या दिया था, परशुराम ने अपने पराक्रम से क्षत्रिय राजाओं का संहार करके जो भूमि जीती थी उसे उन्होंने ब्राह्मणों को बार बार दान दे दिया था, ठीक है। घर घर किससे भर जाता है, अट नहीं रही कविता के आधार पर लिखिए। फागुन की वसंती पवन जब फूलों की सुगंध लिए फिरती है तो प्रत्येक घर सुगंध से भर जाता है। अब देखिए मिठाई की दुकान किसका चंदोआ तानकर बनाई जाती थी, तो दुकान कागज का चंदोआ बना करके बनाई जाती थी, ठीक है। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना नेपाली युवती से सीखी। तो ये हो गया आपके पास में सेकंड मॉडल पेपर। अब हम चलते हैं आपके पास में थर्ड मॉडल पेपर पर, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलूंगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बोलूंगी नहीं, मतलब आप लोगों को समझ में पूरा आएगा। लेकिन देखिए अब आपके पास में मानव जीवन की कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ होती हैं जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इस मेल में सहायक बन जाती हैं, जिन प्रवृत्तियों से प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बढ़ता है वह वांछनीय होती हैं, जिनसे सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती हैं वे दूषित होती हैं, तो मानव प्रवृत्ति के ऊपर आधारित हैं, ठीक है। मनुष्य की कौन सी प्रवृत्तियाँ वांछनीय हैं,
तो इसका आंसर है जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में सहायक है। ब हो गया इसका आंसर। मनुष्य की किन प्रवृत्तियों पर संयम रखना आवश्यक है? जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक हों, अहंकार, काम, क्रोध, जो दुष्प्रवृत्तियां हमारा पतन कर हमारा विनाश करती हैं, या उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। फिर आगे चलेंगे हम, मनुष्य की दूषित वृत्तियों को किस प्रकार शांत किया जाता है? मनुष्य की दूषित वृत्तियों को किस प्रकार से शांत किया जाता है? तो तीसरे का आपके पास में आएगा, सद्वृत्तियों को उभार करके, उत्तेजित करके। उत्थान से यहाँ क्या आशय है? उत्थान, उत्थान का मतलब होता है, चौथे का आपके पास में आंसर आएगा, ऊपर उठना। उत्थान हमेशा ऊपर उठने के लिए आता है। इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है, तो इस गद्यांश का आपके पास में शीर्षक है, आत्मविश्वास में संयम की अनिवार्यता, आत्म विकास में संयम की अनिवार्यता, ये इसका शीर्षक हो गया। अब देखिए, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हाथ है जी में यह ठना। कोस कितने ही चले पैर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ है जिनको खोल वे सकते नहीं, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल या कठिन हो रास्ता, कर्मवीरों को ना इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिन तर ग्रेसंग ऊपर चढ़ चले। वीर पुरुषों की विशेषता क्या होती है? देखिए, वीर पुरुषों की विशेषता क्या होती है? तो वीर पुरुषों की विशेषता होती है बच्चों, संकटों का सामना करते हुए कार्य पूरा करते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका आशय है, वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ से असंभव कार्य भी संभव कर देते हैं। गिरिश्रृंग का आशय है, गिरिश्रृंग का आशय है, आठ नंबर क्वेश्चन, पहाड़ की चोटी, गिरी मतलब पहाड़, श्रृंग मतलब चोटी। वीर पुरुष कब नहीं थकते हैं? लंबी दूर तक पैदल चलकर, मेहनत करके, युद्ध करके, इनमें से कोई नहीं। तो लंबी दूर तक पैदल चल करके कभी भी नहीं थकते हैं, ठीक है। वीर पुरुष कब तक नहीं थकते? इस पद्यांश का शीर्षक हो सकता है, वीरता आपदाएं दानवीर या कर्मवीर। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 10 नंबर का, कर्मवीर आंसर है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? गंतोक में दो प्रकार की, एक तो रंगीन और एक श्वेत। रंगीन श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं बच्चों, जब शोक के अवसर पर, जब कोई व्यक्ति मतलब बौद्ध भिक्षुक जब खत्म हो जाता है, तो उसके शोक के अवसर पर, उसके मृत्यु के ऊपर, बौद्ध भिक्षुक की मृत्यु के ऊपर श्वेत पताकाएं लहराई जाती हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पर किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में, सरकारी तंत्र पर, ठीक है। अब देखिए आपके पास में, खालिस्तान वह मधुर संगीत सुनता है, वाक्य रेखांकित शब्द है, वाक्य में रेखांकित शब्द, यहाँ पर संगीत भाववाचक संज्ञा है, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना न करके उसकी सामान्य विशेषता जब बताई जाती है, तो वो क्या कहलाती है? मूल अवस्था। संयुक्त क्रिया कितनी क्रियाओं के? चार क्रियाओं के मेल से बनती है। अधोलिखित शब्द में उपसर्ग है अधो, अधय मतलब, ठीक है। उच्चतम घोरतम में तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखिए संधि, सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन शब्द में संधि विग्रह करके संधि का नाम लिखिए, तो सत प्लस जन आएगा। बहुव्रीहि समास की परिभाषा, बहुव्रीहि समास की परिभाषा देखिए बच्चों, जिस समस्त पद का यानी कि पूरे पद का पूर्व या उत्तर पद प्रधान ना हो, यानी कि कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई अर्थ अन्य ही अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पर कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन है, सडानन है, लंबोदर है, तो ये आ जाते हैं आपके पास में बहुव्रीहि समास में। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डटकर सामना करना, मान गया मान, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इस लोकोक्ति का अर्थ है कि, लोकोक्ति का आशय लिखना है, ठीक है ना, ना चाहने पर भी गले पड़ना। फिर आता है नगर पालिका थी तो कुछ करती भी नहीं थी, कहने का आशय क्या है? तो नगर पालिका का इसका अर्थ है कि नगर पालिका नगर के सुधार हेतु कुछ काम अवश्य करती थी, परंतु उसके उद्धार एवं उसके काम पूर्व योजनाबद्ध नहीं होते थे। कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने जाते समय लेखिका के पिता की मनस्थिति कैसी थी? तो उस समय पिता अत्यंत क्रोधित थे, गुस्से के कारण भरनाते हुए प्रिंसिपल से मिलने गए थे। सेनाई और नागेश्वरम में क्या अंतर है? तो नागेश्वरम दक्षिण भारत का मंगल के अवसर। देखो, एट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उदय की विरक्ति को गोपियों ने किसके समान माना है? तो उदय की विरक्ति को गोपियों ने जल में रहने वाले उस घड़े के समान माना है, जो कमल के पत्ते के समान और घड़े के समान में माना है, जो कि चिकना घड़ा होता है जिसके ऊपर पानी
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और कमल का पत्ता जिसके ऊपर जो जल में रह करके भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके समान माना है। परशुराम ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई है? तो परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि वह राजा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाले फरसे को ध्यान से देख लें। अपनी विशेषता ये बताई है कि इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु को कितनी बार 1000 भुजाओं को भी काटा है। फागुन में पक्षियों का व्यवहार कैसा होता है? तो फागुन में पक्षी जो होते हैं वो अटखेलियां करते हुए डाल से डाल पर, वाटिका से वाटिका पर, यानी कि एक उद्यान से दूसरे उद्यान में उड़ान भरते दिखाई देते हैं। जब पक्षी उड़ते हैं तो सारा आकाश उनसे भरा हुआ दिखाई देता है। माता कांचल पाठ के लेखक का वास्तविक नाम क्या था? शिव पूजन सहाय। पाठ के लेखक का नाम शिव पूजन सहाय का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। फिर है गंगटॉक से युमथांग कितनी दूरी पर था? तो था 149 किलोमीटर, यानी कि 149 किलोमीटर की दूरी पर था। अब आपके पास में आता है जो मॉडल पेपर फोर करते हैं। अब हम इसके अंदर के आपके पास में क्वेश्चंस देखिए। जो सबसे पहले आपके पास में आ जाता है, अपठित गद्यान समाज का निर्माण किस लिए हुआ है? तो समाज का निर्माण व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ है, इसका आंसर आ गया। व्यक्ति को किस रूप में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है? दूसरों को कष्ट पहुंचाने में नहीं कहा जा सकता है। फिर समाज की व्यवस्था और उसके सामूहिक विकास में बाधा पहुंचने लगती है जब मानव, इसका आंसर आएगा आपके पास में ब, अपने नुकसान फायदे के लिए के कारण सार्वजनिक उपयोगिता को भूलने लगता है। व्यक्ति तथा समाज का संबंध सापेक्ष है, कथन में सापेक्ष शब्द का अर्थ क्या आएगा? तो इसका आएगा दोनों की सत्ता एक दूसरे पर आधारित होती है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक पांचवें का स, व्यक्ति व समाज का संबंध। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अंदर। छठे में ऋषि मुनि व साधु संत नमन करने योग्य हैं क्योंकि, छठे क्वेश्चन का आंसर अ आता है, तप श्रम व संयम का आदर्श प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। 80 धारा पर चलते हैं से क्या आशय? 80 का मतलब होता है बच्चों तलवार, तो तलवार की धार पर चलते हैं। ठीक है, दीपक के समान जलकर वह क्या करना चाहते हैं? दीपक के समान जलकर के वह क्या करना चाहते हैं? 8 नंबर का आंसर आपके पास में आएगा, जनजीवन को संवारते हैं। ठीक है, सत्य और अहिंसा भूषण है किसके हैं? ऋषि मुनियों के। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? तो 10 का हमारे पूजनीय ऋषि मुनि। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। फिर आपके पास में साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत के रचनाकार हैं कौन है? तो 11 नंबर का आपके पास में क्वेश्चन का आएगा, मधु कांकरिया हैं ये, इसके रचनाकार हैं मधु कांकरिया। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। तो इसके पास में आंसर आ गया आपके पास में स। फिर आपके पास में रिक्त स्थान, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। शब्द जो संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के भेद कितने आधारों पर? 2 आधारों पर किए जाते हैं। हिंदी में प्राय एक तो कर्म के आधार पर, एक रचना के आधार पर। हिंदी में प्राय प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर आपके पास में देखिए आ जाते हैं, संधि का अर्थ स्पष्ट करना, समास के कितने भेद होते हैं, मुहावरा, फिर लोकोक्ति, फिर क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, पाठों को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब आता है आपके पास में 5 नंबर का मॉडल पेपर। 5th नंबर का मॉडल पेपर आता है, तो 5th नंबर पे हम मॉडल पेपर पर चलते हैं। देखिए आपके पास में फटाफट हम आपको बताते हैं, पहला जो गद्यांश है उसके अंदर सत्य के साथ आत्मा का कैसा संबंध है? तो आपके पास में पहले का आंसर, उपयुक्त 3 प्रकार का, जिज्ञासा का, प्रयोजन का, आनंद का। तो उपयुक्त 3 प्रकार का, महान होने के लिए किसी पुरुष में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? सेकंड का आंसर आपके पास में, आत्मा की विशालता, आत्मा की उदारता, पक्षपात भाव, भेदभाव रहित, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आएगा बच्चों। ठीक है, किसी पुरुष की विशालता किसके आधार पर मापी जाती है? उसके हृदय की विशालता के आधार पर। आनंद का संबंध है, चौथे का आएगा ब, मनोभावों से। उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक बताइए। पांचवें का आएगा द, सत्य से आत्मा का संबंध। ठीक है, फिर हम इसके अंदर जो आपके पास में आ रखा है
जो बीत गई सो बात गई, इस कविता से क्या मतलब इस पंक्ति से क्या आशय है। तो छठे का आपके पास में आंसर आना है बच्चों, द बीती बातों पर चिंतित व दुखी होकर भविष्य का विचार करना, ठीक है, ये आ जाता है आपके पास में आंसर। फिर सेवन नंबर का, आकाश से टूटते तारों को देखकर के क्या प्रेरणा मिलती है। से तारे टूटने पर आकाश शोक नहीं करता, उसी प्रकार प्रियजन के विछोह का हमें शोक नहीं करना चाहिए। जीवन में वह था एक कुसुम, यहाँ कुसुम शब्द के लिए किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो यहाँ पर प्रियजन के लिए, ठीक है, प्रियजन के लिए प्रयुक्त किया गया। अंबर किस पर शोक नहीं मनाता, अंबर किस पर शोक नहीं मनाता, टूटे तारों पर शोक नहीं मनाता। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक आपके पास में आएगा, अ जो बीत गई सो बात गई, ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। अब आपके पास में गंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है लोगों के परिश्रम के कारण जो वहां पर लोग रहते हैं वो परिश्रमी होते हैं, इसलिए लोगों ने कठिन परिश्रम से शहर को खूबसूरत बनाया है, इसलिए लोगों को ये जो गंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भर गया, मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया, 12 नंबर का आंसर है, ताकि नाक सूखने ना पाए। तो ये हो गया आपके पास में। फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति, बालक जाता है वाक्य में बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता अवस्था में बनाई जाती है उत्तर अवस्था में। काल का बोध कराने वाली क्रिया क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। प्रतिनियुक्ति शब्द में प्रति यही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, घुड़की धमकी शब्दों का प्रत्यय किसमें, ई ई शब्द का हुआ है, घुड़की धमकी शब्द में ई प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए वृद्धि संधि के दो उदाहरण और उनका संधि विच्छेद, अव्यविभाव समास का लक्षण, यानी कि आपको समास की परिभाषा, समास के सभी प्रकार कितने प्रकार होते हैं और उन सभी प्रकारों की परिभाषा और उनके दो दो उदाहरण तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आधारित जरूर। देखिए आपके पास में जो तीसरा क्वेश्चन है वो है मुहावरे का, रंग जमना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। रंग जमने का मतलब होता है प्रभाव होना या फिर धाक जमाना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका वाक्य में प्रयोग करना है लोकोक्ति है बच्चों। तो इसके लिए देखिए आपके पराजित टीम के कप्तान ने सारा दोष पिच पर डाल दिया, तो दर्शक कहने लगे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि कोई काम तो आता नहीं है और काम जब पूरा नहीं होता तो कह दिया जाता है कि यहाँ पर आंगन टेढ़ा है, यानी कि जो वस्तु थी जिसके ऊपर हमने काम किया वो बिल्कुल सही नहीं थी। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो नारे किसने दिए, ये दोनों ही नारे हैं सुभाष चंद्र बोस के। लेखिका मनु भंडारी के सभी भाई बहनों का किससे लगाव था, माँ से ज़्यादा लगाव था, क्योंकि पिता का जो व्यवहार था बहुत अधिक कठोर था। सेनाई कैसा वाद्य तथा उसका प्रयोग कब होता है, सेनाई सुशीर वाद्य है यानी कि फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य है तथा मंगलकारी अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। सूर की गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म क्या है, तो सूर की गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म है प्रजा को न सताया जाना, यानी कि राजा को हमेशा प्रजा के हित में ही कार्य करने चाहिए। परशुराम ने लक्ष्मण को अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया, परशुराम ने कहा कि वह बहुत क्रोधी हैं और क्षत्रियों का संहार करने वाले हैं, उनको अपना शत्रु मानने वाले हैं। कवि बादल से क्या अनुरोध कर रहा है, कवि बादल से यह अनुरोध कर रहा है कि वह गर्जने के साथ साथ शीतल जल की वर्षा से जगत के प्राणियों के संताप को दूर कर दे। लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सर पर डाल देती थी, सरसों का तेल उसके सर पर डाल देती थी। गंतोक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका क्या बालकनी की ओर क्यों दौड़ी, तो लेखिका गंतोक में सुबह होते ही आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर कंचनजंगा की चोटी को देखने के लिए दौड़ी। अब हम चलते हैं मॉडल पत्र सिक्स्थ में, मॉडल पत्र सिक्स्थ का हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए मॉडल पेपर जो आपके पास में सिक्स्थ चल रहा है बच्चों, उसके क्वेश्चन आंसर आपके बताते हैं। सेक्शन ए में जो अपठित गद्यांश है इसका सबसे पहला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही जाती है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में सादगीपूर्ण जिंदगी। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, ये साहसी मनुष्य की पहचान है। दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं, तो इसका आंसर है आपके पास में बच्चों, लोगों की उपेक्षा करके जीने वाले लोग असली ताकत वाले लोग होते हैं। चौथा क्वेश्चन, निडर तथा बेखौफ जिंदगी किसकी होती है, तो ये होती है साहस की, निडर तथा बेखौफ जिंदगी होती है साहस की। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है आपके पास में साहस की जिंदगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे पद्यांश को, तो पद्यांश जब आपके पास में आया है तो इसका देखिए छठा क्वेश्चन, मनुष्य को स्थायी शांति कब प्राप्त होती है,
तो इसका आंसर है आपके पास में, प्रत्येक मनुष्य के सुख सुविधाओं का न्यायपूर्ण वितरण होने पर स्थायी शांति प्राप्त होती है। स्वत्व मांगने से न मिले तो लड़के पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय है आपके पास में, मांगने से अधिकार न मिले तो वीर पुरुष लड़कर के प्राप्त करते हैं। आठवां, अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध करना कवि के अनुसार क्या होता है? तो इसका आंसर है आपके पास में, पाप नहीं होता है। ठीक है, नहीं किसी को कम हो, क्या कम नहीं होना चाहिए? नवे का आंसर आपके पास में आएगा, सुख का भाग। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में, स्थायी शांति का आधार। जॉर्ज पंचम की नाक रचना के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक रचना के रचनाकार कमलेश्वर हैं। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो इसका आंसर है भूषण तिवारी को। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, जो पहला है आपके पास में, गुण दशा व्यापार और भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले स्वरनाम निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जो स्वरनाम शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त ना होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वे उपसर्ग जो संस्कृत से लिए गए हैं उपसर्ग कहलाते हैं, तत्सम। फिर वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ को बदलते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जो आगे जुड़ते हैं शब्दांश वे उपसर्ग कहलाते हैं, जो शब्दांश पीछे जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, दीर्घ संधि की परिभाषा, द्वंद्व समास की परिभाषा, दांत से कौड़ी पकड़ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये लोकोक्ति, मूर्ति पर चश्मा न लगा होने के कारण हल्दार साहब ने क्या कल्पना की, ये क्वेश्चन है बच्चों। इनके आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। 7 नंबर मॉडल पेपर में हम चल रहे हैं। 7 नंबर मॉडल पेपर के आंसर्स जो है छोटे वाले, यानी कि एमसीक्यूज के आंसर्स बता रही हूं मैं आपको, और रिक्त स्थान के आंसर। ठीक है, तो 7 नंबर पे आपके पास में जो ये देखिए, आपके पास में अपठित गद्यांश है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्राभिमानी व्यक्ति के हृदय में कौन सी भावना स्वाभाविक होती है? तो इसका आंसर है आपके पास में, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, अपने देश की भाषा के प्रति प्रेम की भावना, अपने देश की संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर आ गया इसका। फिर कौन सा राष्ट्र शीघ्र ही पराधीन हो जाता है? इसका आंसर है आपके पास में, जिस देश के वासियों में उत्सर्ग की भावना नहीं होती वह देश जल्दी ही पराधीन हो जाता है। आत्मबली व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? तो इसका आंसर अ व ब दोनों ही विकल्प सही है, यानी कि अन्याय अत्याचार व अमानवीयता से लड़ता है, वह अधर्म और न्याय के पक्ष में खड़ा होता है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके पास में सही है। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा द। उसके हृदय में सार्वजनिक हित की बात स्वतः ही आ जाती है, जिसके हृदय में, इसका आंसर होगा चौथे का आपके पास में स, राष्ट्रभक्ति हो। उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए। पांचवें का आपके पास में आ जाएगा अ, राष्ट्र के प्रति दायित्व। ये आपके पास में आंसर आ गया। अब देखिए आपके पास में, क्षमा भोज सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ठीक है, क्षमा किसको सोभती है, यानी कि शक्ति संपन्न व्यक्ति को, जो स्वयं शक्ति संपन्न व्यक्ति है उसको क्षमा सोभती है। छठे का आंसर आपके पास में स आएगा। समुद्र के किनारे खड़े होकर कौन रास्ता मांग रहा था? लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण या राम? राम की शक्ति पूजा से ये लिया गया है, तो यहाँ पर राम आएगा। सातवें का द, राम। अनुनय के प्यारे छंद पढ़ने से क्या आशय है? तो यहाँ पर है नम्रता से विनय करना। ठीक है, फिर त्राही त्राही कौन कर उठा? विभीषण, समुद्र, आकाश या रावण? त्राही त्राही कौन कर उठा था? यहाँ पर आता है आपके पास में समुद्र। ठीक है, राम से डर करके। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? यहाँ देखिए, विस्तर सर्प, जीवन में शांति का महत्व, तो भगवान राम और सागर, या जीवन में शक्ति की महत्ता? तो यहाँ पर आपके पास में दसवीं का आंसर है, जीवन में शक्ति की महत्ता। ठीक है, फिर आता है आपके पास में, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने यूमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया था? तो ग्यारहवें का आंसर आपके पास में आएगा, कप्तान शेखर दत्त, इन्होंने किया था। फिर आता है रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? बारहवें का ब, वह समझ नहीं पाया था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। देखिए आपके पास में क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। तो ये आंसर हो गया आपके पास में। ठीक है, ये आंसर लगा दिया आपने।
अब फिर आपके पास में आता है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण, व्यापार आदि का बोध होता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए होता है वह क्या कहलाता है? उत्तम, उत्तम पुरुष कहलाता है। ऐसे विशेषण शब्द जो अन्य विशेषणों की विशेषताएं बताते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं कहलाती हैं संयुक्त क्रियाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे ही क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सारे के सारे ही खाली स्थान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां जाना कठिन हो शब्द समूह के लिए उपसर्ग युक्त शब्द होगा, कौन सा होगा आपके पास में? दुर्गम। इकहरा दोहरा शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आपके पास में आ जाते हैं बच्चों ये देखिए, एक एक नंबर के द्विगु समास की परिभाषा, संधि की घुटने टेकना, मुहावरा, फिर लोकोक्ति, कोयले की दलाली में हाथ काले, हालदार साहब, कब तक मूर्ति के बारे में सोचते रहे, ये सारे के सारे आपके पास में 12 के 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास में मॉडल पेपर 8। मॉडल पेपर 8 के आपके पास में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। देखिए अपठित आता है आपके पास में सबसे पहले गद्यांश, तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? तो इसका आंसर है मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में। पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में है। फिर आपके पास में मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसका आंसर आपके पास में आता है द अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में, पुस्तकालय ये कार्य नहीं करता। कौन सा? छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, तो तीसरे का स आएगा, उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक। फिर अवकाश के समय हमारा सच्चा साथी कौन होता है? पुस्तकालय होता है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है पुस्तकालय का महत्व, ठीक है, ये हो गया आपके पास में। फिर काव्यांश को पढ़ करके देखिए, आज का संसार नवीन और विचित्र दिखाई देने का कारण क्या है? छठे का आंसर है आपके पास में प्रकृति पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है, छूट कर पीछे रह गया, पीछे गया है रह हृदय का देश। पंक्ति का भावार्थ क्या है? तो इसके अंदर आंसर आएगा बौद्धिक दौड़ में हृदय सा मन, हृदय मन का संसार पीछे छूट गया है। बुद्धि का त्यौहार का क्या तात्पर्य है? 8 नंबर का स, मनुष्य अपनी बुद्धि बल पर प्रसन्न होता है। मनुष्य की मुट्ठी में क्या है? तो इसका आंसर है पूरा आकाश, ठीक है। फिर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। 10वें का आपके पास में आंसर है स, मानव का हुक्म, ठीक है, ये मानव का हुक्म इसका सही आंसर है। फिर आप देखिए आपके पास में, लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो, सिक्किमी मतलब सिक्किम में रहने वाली हो, तो उसने क्या जवाब दिया? तो उसने कहा मैं सिक्किमी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं गढ़वाली हूँ। तो उसने आंसर दिया था कि मैं इंडियन हूँ, यानी कि मैं भारतीय हूँ, ठीक है, तो ये आंसर था मैं इंडियन हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ की लेखन विधा है व्यंग्यात्मक, रेखाचित्र, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पर 12 में आएगा आपके पास में व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक बंध है ये, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिस शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अधमरा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अधमरा शब्द में अध है। फिर धार्मिक सामाजिक शब्दों में कौन से प्रत्यय का प्रयोग? एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यण संधि का सूत्र लिखिए, उदाहरण भी दीजिए, तत्पुरुष समास की परिभाषा, मुहावरा आया है, लोकोक्ति आई है। फिर आपके पास में क्वेश्चन आए हैं, मनु भंडारी वाला पाठ, सहनाई बजाने वाला पाठ यानी कि नौबत खाने में इबादत, एक कहानी यह भी, और सूरदास वाला पाठ, ठीक है, परशुराम, तुलसीदास वाला पाठ, इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं। बादल उत्साह कविता आपके पास में आ रखी है, माता का आंचल आ रखा है, और आ रखा है आपके पास में जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। तो ये पाठ आपके पास में इंपॉर्टेंट रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। जितने भी मॉडल पेपर किए हैं ना हमने, तो उसके अंदर यही चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से एक एक नंबर के क्वेश्चन आए हैं। अब आते हैं हमारे पास में मॉडल पेपर 9। मॉडल पेपर 9 अब हम हल करते हैं। तो मॉडल पेपर 9 में बच्चों जो सबसे पहला आपके पास में आता है गद्यांश, इसके क्वेश्चंस देखिए। जल और मानव जीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है, पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं। तो तैराकी के द्वारा कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहला है इसका आंसर मनोविनोद, शारीरिक स्फूर्ति व मानसिक शांति मिलती है।
फिर आता है आपके पास में आदि मानव को तैराकी की प्रेरणा कहाँ से मिली। सेकंड का आंसर आपके पास में स आएगा, जलचरों से। ये आंसर आ गया आपके पास में। फिर आता है मनुष्य के लिए तैराकी है, क्या है मनुष्य के लिए तैराकी, इसके अंदर आंसर आएगा निरंतर अभ्यास से प्राप्त क्षमता। विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का जन्म हुआ है। चौथे का आंसर आपके पास में आएगा ब, नदियों के किनारे। फिर आएगा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो पांचवे का आएगा आपके पास में स, तैराकी एक कला। फिर आपके पास में जो आएगा काव्यांश का शीर्षक अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश में शत्रुओं से अभिमन्यु वध का बदला लेने के लिए अर्जुन को किसने प्रेरित किया है। तो छठे का आंसर आपके पास में आएगा ब, श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने क्या घोषणा की थी। सातवें का स, उसके शत्रु युद्ध में मरे पड़े हैं, वह संसार देखेगा। ठीक है, अब मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल संबोधित हुआ पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय स्पष्ट करना है, तो इसके लिए आंसर आएगा आपके पास में आठवें का द, क्रोध से अर्जुन का मुंह बाल रवि के समान लाल होकर ज्वाला की तरह हो गया। नौ नंबर क्वेश्चन, जब काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, कांपने उनका लगा, रेखांकित शब्द किसके लिए आया। उनका, उनका शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है, द अर्जुन के लिए। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, अर्जुन की प्रतिज्ञा, अभिमन्यु वध, महाभारत का युद्ध या चक्रव्यूह बंधन। तो दसवें का आपके पास में आंसर आएगा अर्जुन की प्रतिज्ञा। ठीक है, फिर यहाँ पर पहली बार दरवाजा बंद करके मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया। नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़ कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का, ये उसने कहा कि जो सुझाव दिया था वो नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़ने का दिया था। जितेंद्र ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया, तो 12 नंबर का आएगा खेदुम। जितेंद्र ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम बताया था खेदुम। फिर आता है आपके पास में रिक्त स्थान, जिस शब्द से किसी पदार्थ अथवा नापतोल वाली वस्तु का बोध हो उसको परिमाणवाचक, अच्छा सॉरी, पदार्थ अथवा नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वह अनिश्चयवाचक न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उपसर्ग का प्रयोग प्राय पीछे या बाद में या गौण अर्थ में होता है, अनु उपसर्ग का प्रयोग, यहाँ पर अनु आएगा। बढ़िया घटिया शब्दों में प्रत्यय का शब्द का प्रयोग या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में देखिए संधि विच्छेद से क्या आशय, कर्मधारय समास की परिभाषा, यानी कि आपको समास की परिभाषा सबकी याद करनी है। उसके बाद में आपके पास में देखिए संधि विच्छेद, संधि से क्या तात्पर्य, संयोग किसे कहते हैं, मुहावरा, फिर लोकोक्ति किसे कहते हैं, हालदार साहब की आंखें भराने का क्या कारण था, सब कुछ मुझे तुक्का सा ही लगता है। ये आपके पास में आ जाते हैं छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी आपके पास में आ गए। ठीक है, अब आता है आपके पास में 10 नंबर वाला मॉडल पेपर, 10 नंबर का मॉडल पेपर। इसका अब हम करेंगे 10वां मॉडल पेपर, इसके अब करते हैं हम क्वेश्चंस। देखिए आपके पास में जो खंड अ है, भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण क्या है, भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण क्या है। तो आपके पास में परिश्रमी, मितव्ययी, देखभाल करके चलने वाला। भारतीय किसान किस बात में संसार में सबसे ऊपर है, वो है संतोष एवं परिश्रम का जीवन जीने में। फिर आपके पास में आता है भारतीय किसान को स्वावलंबी कैसे कहा जा सकता है, ब, अपना मकान वह स्वयं बनाता है, ये हो गया। फिर मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ क्या है, मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ है कम खर्च करने वाला। नीचे दिए गए शीर्षकों में उसे उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक बताना है। तो पांचवें का आंसर है आपके पास में भारतीय किसान। ठीक है, अब काव्यांश को 10वें मॉडल पेपर में छठा क्वेश्चन जो है आपके पास में, कवि किस प्रकार देशवासियों से मिलने की बात कह रहा है, तो विविध पुष्पों के हार के रूप में कह रहा है, ये हो गया आपके पास में। 7 नंबर का क्वेश्चन, देशवासियों के लिए एकता ही वर्ण है क्योंकि एकता से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। फिर आता है आपके पास में सांप्रदायिक विविधता की तुलना की है, किससे की है आपके पास में, देश में अनेक संप्रदाय फैले हैं, ये हो गया। फिर 2 1 11 हुए पंक्ति का भाव व्यक्त करने वाला कथन कौन सा है, 9 नंबर का अ, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं। फिर आता है आपके पास में उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, नीचे लिखे विकल्पों में से छांटे। तो आपके पास में 10वें का आता है फूलों का हार। ठीक है, इसका आंसर 10वें का जो आंसर है आपके पास में फूलों का हार, नीचे उपयुक्त शीर्षक में से फूलों का हार दे रखा है।
नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। नई दिल्ली में नेताओं ने सम्मान ताक पर रखकर के एलिजाबेथ की अगवानी की। ये हो गया। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक झरना किस नदी के किनारे स्थित है? 12 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आंसर आएगा, ये तिस्ता नदी, तिस्ता नदी के किनारे पर है। यहाँ पर तिस्ता नदी है बच्चों, ठीक है, ये आंसर है आपके पास में, तिस्ता नदी। अब फिर आता है आपके पास में खालिस्तान। जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द बात कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात हो रही है के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अतिवृष्टि शब्द में उपसर्ग अति है। फिर आता है आनंदित बाधित शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अयादि संधि, समास, हाथ पसारना, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति। फिर आपके पास में जो छोटे क्वेश्चन आ गए हैं, अब इसका पीडीएफ का मैं आपको कोड बताने जा रही हूँ। आज की इस हिंदी की पीडीएफ का कोड है आपके पास में SHARDA शारदा 14, शारदा 14 यानी कि 14 14, शारदा SHARDA 14 14, ठीक है, 14। ये आपके पास में पीडीएफ का कोड है आज की। इसको आप सबमिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस पीडीएफ के लिंक पे आप क्लिक करेंगे और इसको सबमिट करेंगे कोड को, तब आपके पास में पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप लाइव लेना चाहते हैं हिंदी के जो आपके पास में मोस्ट हैं क्वेश्चंस इनका, और आप पूरी डैशवर्क को समझना चाहते हैं एक एक पेपर को, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए लाइव भी आऊँगी। धन्यवाद, नमस्कार।